क्या आप 10वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये 2020 सेट बी का ये सही विकल्प और सही विकल्प का प्रश्न है। 15 नंबर इसमें आपको आसानी से मिल जाएगा कि इसमें सही विकल्प 5 नंबर, रिक्त स्थान और सत्य सत्य में 5-5 नंबर का है तीनों। तो आपको कॉन्सेप्ट को उसके समझना है, ऐसे आपको तुक्का नहीं लगाना है। तो देखिए, यहाँ से पहला दिया, यदि पी एक्स बराबर 6x2 माइनस 5x+1 हो तो पी वन का मान होगा। ऑप्शन दिया है 1, 2, 5, 6। तो पहले ही बता चुका हूँ, ए बी सी तीनों में प्रश्न पूरा एक जैसे ही रहता है। ये भी सही विकल्प भी एक जैसे ही रहता है, बस अंतर इतना है इसको बदल देगा। ऐसा टाइप का आपको सेट ए में भी मिल जाएगा प्रश्न, बस यहाँ 1 की जगह 2 कर देगा या -2 कर देगा या इस अंक को बदल देगा, बाकी इस टाइप का सवाल ए बी सी तीनों में रहेगा। क्लियर है? तो अब देखिए क्या बोला है, ये सिंपल सा है। क्या दिया है? 6x2 - 5x+1। ये पी वन लिखा है ना, तो बस आपको x के जगह में 1 लिखना है। तो यहाँ x के बदले आपको 1 लिख देना है, ये 5 x के बदले 1 लिख देना है। तो 6 हो गया, 1 × 2 नहीं करना है, 1 एकम 1, 5 एकम 5, ये 6 एकम 6, इसको वैसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, तो ये 6 भी प्लस है तो ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, में से 5 के कितना बचा 2। क्लियर हुआ? ये जुड़ेगा, 7 में से 5 गया 2, 7 बढ़ा इसलिए प्लस। तो देखिए ऑप्शन में 2 है क्या, अगर हल किया और ऑप्शन में है तो वो सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार कुछ भी आए, यहाँ पर जो भी रखा है ना, तो बस उसको x के बदले आपको लिखना है इसमें, इस टाइप का अगर प्रश्न आ रहा है तो। देखिए प्रश्न दूसरा है, वर्ग समीकरण x²-3x+2=0 के व्युत्कर का मान होगा, यदि है 1, 2, 3, -1। अब यहाँ पर देखिए व्युत्कर, व्युत्कर को विभेदक भी बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए, और इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है d=b²-4ac, ऐसा आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक रहता है, तो वो क्या होता है, ये a का मान है, ये b का मान और ये c का मान, a=1, b -3, c=2। यहाँ से a का मान 1, b का मान -3 और c का मान 2, x को नहीं लिखना है। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a के जगह में, b के जगह में लिखना है -3, ये 4 हो गया, a के बदले लिखना है 1 और c के बदले क्या लिखना है 2। बताए हुए अगर घात सम संख्या है, 2 क्या है सम संख्या, तो ये माइनस को नहीं लिखना है क्योंकि वो प्लस हो जाता है। 3 को 2 बार लिखना है, 3 × 3, 3 × 2 = 6 नहीं करना है, 4 एकम 4 और 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9 और 9 में से 8 हो गया, कितना बचेगा 1, 9 बढ़ा इसलिए प्लस। तो देखिए एक ऑप्शन में है क्या, देखिए 1 + 1 भी है - 1 भी है, तो आपको चिन्ह पर विशेष ध्यान देना है, चूंकि 9 बढ़ा इसलिए प्लस 1, तो राइट आंसर इसका क्या होगा +1। यहाँ पर देखिए तीसरा है, बिंदु -1, -3 किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसके लिए आपको ट्रिक है, ये सेट ए का हल क्यों तो भी बता चुका हूँ, ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। तो बस आपको संख्या से मतलब नहीं, चिन्ह से मतलब है, इसमें माइनस इसमें माइनस, दोनों में माइनस है, तो देखिए दोनों माइनस किस में है, तीसरा में। तो बस सिंपल सा है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको चिन्ह को देखना है, ये तृतीय है तो इसलिए कौन सा आ जाएगा, ये वाला तृतीय चतुर्थांश, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका, ये वाला होगा तृतीय चतुर्थांश, क्या है इसका राइट आंसर है। देखिए चौथा दिया है, 10√30 × cot30 का मान होगा। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर इस प्रकार दिया है तो इसका होता है, यहाँ से आपको चूंकि याद रखना है, 10θ = ये हो जाएगा 1/cot θ होता है, तो इसलिए यहाँ से देखिए क्या लिखा है, 10√30। अब यहाँ से देखिए 10θ = 1/cot, तो ऐसे तिरिया गुणा करेंगे, देखिए 10θ × cot θ बराबर क्या हो गया 1, मतलब अगर गुणा के रूप में है, थीटा थीटा है, 30 और 30 है, इसका मान कितना होगा 1, सिंपल सा है ये। तो ये 10√30 × कितना दिया है cot30।
तो यहां पर ये इसी से क्या हो गया, ये गुणा के रूप में है और ये एक जैसे है, टेन और कॉट है, तो उसका कितना होगा, एक होगा, पहला नियम। दूसरा देखिए इसी को कैसे हल कर सकते हैं, टेन थर्टी, चूंकि ये कॉट थर्टी है, कॉट थर्टी, अब बताया टेन को क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉट, टेन को क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉट लिख सकते हैं, और ये पहले से क्या है, कॉट, तो कॉट और कॉट कट गया, कितना बचा, यहां पर एक बचा ना, तो भी एक आ गया। तो इस प्रकार आपको दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक गुणा के रूप में है और एक जैसे है, तो एक ही आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, एक। या इसका आप मान निकाल के भी इसको हल कर सकते हैं, टेन थर्टी का मान होता है एक बटे करनी तीन, एक और तरीका लगा सकते हैं, टेन थर्टी का मान होता है एक बटा करनी तीन और कॉट थर्टी का मान होता है करनी तीन, तो ये दोनों कट जाएगा, तो भी कितना आया, एक। इस प्रकार तीन तरीके से आप इसको बना सकते हैं, पहला ये गुणा की है तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला से एक आ गया, दूसरा इसको उल्टा करेंगे तो ये दोनों कट के एक आ जाएगा, तीसरा टेन थर्टी का मान एक बटे करनी तीन और कॉट थर्टी का मान करनी तीन, दोनों कट के कितना आया, एक। तो कोई भी तरीके से हल करें एक ही आएगा। ये लिखा है यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए, आधा, एक चौथाई, चार गुना, दुगुना। सावधि जमा खाता है मतलब फिक्स डिपॉजिट, ब्याज की गणना क्या है, तिमाही, क्लियर है, सावधि खाता है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। तो कभी भी गणना अगर तिमाही है तो तिमाही गणना रहेगा, तो आपको याद रखना है क्या है, गणना तिमाही, तो इसको आपको याद रखना है, हमेशा दर को भाग देना है चार, दर को भाग देना है चार से और समय को गुणा करना है चार से, अगर वो वार्षिक है तो याद रखना है ना, अगर वर्ष में दिया है तो दर को चार से भाग देना है और समय को चार से गुणा करना है अगर तिमाही गणना है तो, और छमाही रहता है दर को दो से भाग देते हैं, समय को दो से गुणा करते हैं, क्योंकि एक साल में दो बार छः महीना आता है और एक साल में चार बार तीन महीना आता है, क्यों चार से भाग दे रहे हैं, क्योंकि तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन इक्वल कितना होगा, बारह माह, क्लियर है, तो कितने बार हुआ, एक दो तीन चार ना, तो चार बार हुआ, चार भाग में डिवाइड हो गया, इसीलिए दर को चार से भाग देना है, समय को चार से गुणा करना है, आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार क्या बोला है, देखिए वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए, तो ये चार का भाग गया तो मतलब क्या हो जाएगा, एक चौथाई, कौन सा होगा इसका ऑप्शन, एक चौथाई, अगर क्लियर हुआ, चार गुना नहीं लेना है ना, एक चौथाई लेना है, क्योंकि भाग है तो एक चौथाई लेना है। और इसी में अगर बोलेगा कि समय को लेना चाहिए, तो समय को याद रखिएगा चार गुना आएगा, समय में क्या आएगा, चार गुना, अगर तिमाही गणना पूछेगा, वो सावधि खाता है और पूछेगा समय को लिया जाना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। देखिए रिक्त स्थान है, करनी थ्री प्लस वन और करनी थ्री माइनस वन का समांतर माध्य है, ऐसा सवाल आपको सेट ए में भी मिल जाएगा। आपको समांतर माध्य का फार्मूला याद होना चाहिए, समांतर माध्य का फार्मूला होता है ए प्लस बी बटे दो, अब इतना को आपको ए मानना है और इतना क्या मानना है, बी, तो ए के बदले लिखना है करनी थ्री प्लस वन प्लस बी के बदले लिखना है करनी थ्री माइनस वन पूरे का बटा दो, क्लियर है इतना। तो देखिए प्लस वन माइनस वन कट गया, कितना बचा, करनी तीन, करनी तीन, तो यहाँ एक रहता है, यहाँ भी एक रहता है, तो एक और एक दो करनी तीन ऐसा करना है, तीन और तीन छः नहीं करना है ना, एक और एक दो करनी तीन बटा दो, दो से दो कट गया, कितना बचा, करनी तीन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करनी तीन, तो इसमें क्या आ जाएगा, करनी तीन। देखिए दिया है पाँच छः दस का चतुर्थानुपाती खाली स्थान है, तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी सी बटा ए, तो इसको आपको मानना है ए, इसको बी, इसको सी, चतुर्थानुपाती को डी मानते हैं, ये क्या है, डी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी, बी का मान कितना दिया है छः गुणा सी, सी का मान कितना दिया है दस, ए का मान कितना दिया है पाँच, मान रखना है बस इसमें, पाँच दूनी दस और छः दूनी बारह, तो कितना आ गया, बारह। देखिए दिया है अगला, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की खाली स्थान होती है, यहाँ पर देखिए ये आप वृत्त बनाएंगे तो ये व्यास है, यहाँ से केंद्र से होकर गुजरता है और परिधि के दोनों बिंदु पर स्पर्श करता है, तो वो क्या कहलाता है, व्यास, तो यहाँ से केंद्र से परिधि की स्पर्श किया ये त्रिज्या,
और ए की वृत्त की त्रिज्या समान होती है। तो देखिए ये भी आर है और ये भी क्या है, आर है, तो कितना हो जाएगा आर प्लस आर इक्वल कितना हो जाएगा टू आर, तो डी बराबर होता है टू आर। तो देखिए दो गुणा त्रिज्या, तो किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की क्या होती है, दो गुनी होती है, दुगुनी, समझ में आया, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की दुगुनी होती है, मतलब दो गुना होता है ये। यदि कॉस 90 माइनस 53 का मान होता है, यहां पर सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। कोई भी चीज़ अगर 90 के रूप में है तो इसको बता चुका हूँ, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, सेक है तो कॉसेक, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ पर थीटा की जगह 53 है तो 53 आ जाएगा, तो साइन 53 इसका आंसर है। अगर इसमें जैसे मान दिया रहता साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो उसको मान लिखना पड़ता, या साइन 90 रहता तो साइन 90 मान एक, अगर साइन 60 रहता तो उसका कर्णी 3/2 ऐसा लिखना, चूँकि 53 का टेबल में नहीं है तो साइन 53 ही लिखना है, क्लियर। तो ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला, कॉस 90 के रूप में साइन होगा, साइन रहता तो कॉस होता, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक, ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये लिखा है एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लेना है, एक विषम लेना है एक सम लेना है, तो विषम संख्या क्या होता है एक, सम संख्या क्या होता है दो, कोई भी ले सकते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो दो और एक कितना आ गया तीन, और आप ले सकते हैं विषम संख्या मान लीजिए तीन, सम संख्या क्या हो गया चार, तो यहां से हो जाएगा चार और तीन सात, तो कुल मिला क्या है विषम संख्या ही आ रहा है। तो इसे समझ में आया, एक विषम और एक सम संख्या को जोड़ने पर हमेशा कौन सा संख्या आएगा, विषम संख्या, यहां पर क्या आ जाएगा विषम। देखिए दिया है सत्य या असत्य, पहला दिया है सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप भी होते हैं। एक चीज़ याद रखिए, कभी भी अगर सर्वांगसम बोला है तो जो सर्वांगसम होता है वो समरूप होता ही है, तो यहाँ पर याद रखना है जो सर्वांगसम है वो समरूप होता ही है, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। तो सर्वांगसम है तो सर्वांगसम मतलब पहले से बराबर है, वो तो बराबर है, जैसे मान लीजिए ये हम बना दिए, ये वर्ग बना दिए, एक और वर्ग बनाते हैं, तो यहाँ मान लीजिए सब एक जैसे है ना, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये सब एक जैसे है, तो सर्वांगसम मतलब सब चीज़ बराबर, तो बराबर है तो ये समरूप तो है ही। देखो सर्वांगसम मतलब ये, सर्वांगसम मतलब ये बराबर है, तो समरूप मतलब एक ही शकल का, तो ये समरूप तो है ही। याद रखिए कोई भी चीज़ अगर सर्वांगसम है तो समरूप होगा ही, तो ये क्या है, ये सत्य है। लेकिन अगर बोलेगा पहले समरूप रहता, सभी समरूप बहुभुज सर्वांगसम भी होते हैं, तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्लियर है, तो वहां पर असत्य आ जाता, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये सत्य है। ये दिया है दूसरा, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक शून्य होता है। तो यहां पर याद रखिएगा कोई भी चीज जैसे ये दिया है निर्देशांक, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो कोई भी चीज अगर वाई में स्थित है तो x क्या होता है जीरो, अगर y में स्थित है तो x का मान लेते हैं जीरो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अगर y में बोला है तो x निर्देशांक उसका क्या होगा, शून्य होगा, ये सत्य है। तो इसके इस प्रकार लेते हैं कोई भी चीज़ x और y है, अगर वो y में स्थित है तो x का मान क्या हो जाएगा जीरो, तो ये क्या है सत्य है। ऐसे ही अगर पूछेगा x अक्ष पर स्थित है तो y निर्देशांक शून्य होता है, तो अगर x में स्थित है तो y का मान क्या होगा जीरो होगा, उस इस प्रकार आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसका ये होगा वाई अक्ष में स्थित है तो एक्स का मान जीरो, क्लियर, तो ये सत्य है। यदि घनाभ में 9 कोरी होती है, तो पहले आपको घनाभ बनाने आना चाहिए, घनाभ किससे बनता है आयत से बनता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, घन बनता है वर्ग से, घनाभ बनता है आयत से। तो यहाँ पर इस प्रकार हम इसको बनाएंगे, इस प्रकार ये बनता है, देखिए कोर मतलब होता है भुजा, कोर मतलब क्या होता है भुजा। तो देखिए पहले हमने कितना लिया, एक दो तीन चार, ये चार हो गया, फिर देखिए पाँच छ सात आठ, तो कितना हो गया, फिर चार हुआ, अब यहाँ पर देखिए फिर ये एक दो तीन और ये चार, कितना हो गया चार तिया बारह, तो कितना भुजा हुआ।
याद रखिएगा इसका 12 भुजा होता है, भुजा या कोर का मतलब एक ही होता है, तो याद रखना है आपको सत्य का ज्ञान होना चाहिए, बाकी वो अपने आप असत्य हो जाएगा। तो घनाभ या घन दोनों में 12 भुजा ही होता है, आपको याद रखना है। तो 12 भुजा होता है और इसका 8 शीर्ष होता है, ये याद रखना है आपको, 8 शीर्ष और इसका 6 होता है फलक होता है, पृष्ठी फलक होता है, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठी फलक, और 4 होता है पार्श्व पृष्ठ होता है, पार्श्व पृष्ठ या पार्श्व फलक, क्लियर है, ये संपूर्ण पृष्ठ है। ये आपको सही चीज का ज्ञान होना चाहिए। शीर्ष इसको बोलेंगे, जैसे ये बताया ना, ये शीर्ष इसको बोलेंगे 1 2 3 4, फिर इसको इस प्रकार लेंगे ऐसे, तो हो जाएगा 5 6 7 8, तो शीर्ष होता है 8 और भुजा होता है 12। तो भुजा बता ही चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, और 6 इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, 4 पार्श्व पृष्ठ होता है, घन और घनाभ दोनों के लिए एक जैसे ही है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। यहाँ आपको याद रखना है, बैंक कार्य प्रणाली है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, ये क्या है, सत्य है, क्लियर है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। पांचवा है, यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 90 अंश होगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार, ये चतुर्भुज हम बना लिए, ये हो जाएगा प्रत्येक कोण समान हो, क्या बोला है, चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 90 होगा, तो ये इसका नियम, जैसे हम चारों को अगर x मान लेते हैं, इसको भी x मान लिए, इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x और इसको भी x, तो ये हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस x, समान बोला है ना, तो चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360, तो 1 2 3 4, तो 4x बराबर 360, x का मान निकालेंगे तो 4 कहाँ आएगा, नीचे, तो 4 ने 36, 4 0 0, तो x बराबर कितना आ गया 90, तो सब कितने का होगा 90 90 90 90, तो 90 90 सबको जोड़ के आप देखेंगे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, क्लियर है, तो ये क्या है, सत्य है। चतुर्भुज में याद रखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश का, अगर चारों कोण समान हो तो कितना हो जाएगा, 90 अंश का होगा प्रत्येक कोण, क्लियर है इतना। तो चतुर्भुज के कभी भी देगा तो सभी को जोड़ने पर 360 आना ही चाहिए, तो इस प्रकार समान चारों कोण समान है तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 होगा, ये सत्य है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से